लिए मदद कर देना दूसरे को। ऐसे अगर द्वारपाल ऐसे क्यों रखे, ऐसे द्वारपाल क्यों रखे? विश्व कल्याणकारी नहीं है, लुटा देते हैं ना वो, तो द्वारपाल लुटा देते हैं ना कि हम लुटा देते हैं। द्वारपाल ऐसे है जिन्होंने लुटवा दिया महल के अंदर जो हीरे जवाहरात थे उनको भी लुटवा दिया, लेकिन उनको भी सुधरने का चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कभी भगवान बाप के बच्चे बने प्रैक्टिकल में या नहीं बने? प्रैक्टिकल में बने ना। एक बात को मान लिया ना तो हमारे बाप हो तो उनके ऊपर रेवन्यू करना है। आज मानते हैं, हाँ वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं? छोटे बच्चे, देवी बुद्धि है, उन पर रहम करो। बच्चों के ऊपर रहम किया जाता है कि नहीं? कि बच्चे ने गलती की तो बस उसको पटक दिया कंस की तरह। हाँ दूसरी बात नहीं करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, बार-बार। हाँ, बार-बार माफ नहीं करना चाहिए, बार-बार माफ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बार गलती करते, हाँ वो तो मुरली में बोला है, एक बार माफ, दो बार माफ, बहुत में बहुत 3 बार माफ, इससे जास्ती माफी नहीं होनी चाहिए। फिर तो नीचे गिरते जाएंगे दूसरे धर्म में। फिर तो टू लेट का बोर्ड लगेगा तब ही आएंगे। हाँ जी, जो आपको ही संप्रदाय रहते हैं, हाँ जी, ज्यादा व्यभिचार करते हैं, आपको ही संप्रदाय जो रहते हैं वो ज्यादा व्यभिचार करते हैं, ज्यादा पतित बनते हैं। हाँ, और जो देवता रहते हैं वो कम पतित बनते हैं। लेकिन जो आसुरी संप्रदाय है वो संघ के रंग में आने से बेविचारी बनते हैं, ये ऑटोमेटिक है ही है बेविचारी। तो ज्यादा दोषी कौन हुआ? तो देवता ही कमजोर होते हैं और आसुर कमजोर है। द्वापर युग में आकर के कमजोर बनते हैं, तभी तो संघ के रंग में आते हैं। कमजोर है तभी तो ऊपर से आने वाली आत्मा उनमें प्रवेश कर लेती है। जो ज्यादा देता है वो कमजोर बोला नहीं, कारण भी तो देखा जाता है। कोई ज्यादा नीच पतित कर्म कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? कारण क्या हुआ? संघ के रंग में आ गए, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, मतलब लेकिन में भी ऐसा बोल सकते हैं जो संघ के रंग में थोड़ी समय के लिए आता है और पतित बन जाता है, लेकिन फिर भी बाबा को मन बुद्धि से कनेक्शन लगा रहता है। इसलिए उसका प्रूफ क्या हुआ कि मन बुद्धि से लगा हुआ है? आप बोल रहा हुआ है प्रैक्टिकल में, तो प्रूफ तो चाहिए कुछ। और जो आसुरी आत्माएं रहेगी वो मतलब जो आसुरी आत्माएं है वो संघ का रंग लगाती है, किसी के संघ के रंग में आती नहीं है। हम कन्वर्ट नहीं होंगे। जो दूसरे धर्म के होते हैं, कोई ऐसे बहुत से दूसरे धर्म के इतने पक्के हैं वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। वो कहेंगे, जब वो कहेंगे तब ही हम तुम्हारी बात मानेंगे। क्या उनका जो मुखिया होगा ना, वो अपने संगठन के इतने पक्के होते हैं कि कह देंगे तुम्हारी बात 100% सच्ची, लेकिन हम मानेंगे तब जब हमारे संगठन का मुखिया हमको कहेगा कि हाँ मानो सच्ची बात। संगठन का बदनामी है। हाँ जी, यहाँ ये बदनाम है, अपनी स्थिति में होना है। हाँ जी, कंचन काया कैसे बनो, कैसे बनेगी कंचन काया? जो है वो काया तो शरीर को कहा जाता है ना, और शरीर जो है वो आत्मा रूपी बीज का शरीर है ना। इस शरीर को बनाने वाला कौन है? बीज रूप आत्मा। अगर बीज सुधर जाएगा तो शरीर कंचन बनेगा कि नहीं? तो बीज माने आत्मा। आत्मा में इतना ज्ञान बैठ जाए, इतने ज्ञान की गहराई तक धारणा हो जाए कि वो पक्का कर ले, निश्चित कर ले कि हम आत्मा को सुधरना ही सुधरना है। आत्मा जो है कंचन बना करके ही छोड़ेंगे, हम मनुष्य से देवता बन करके ही रहेंगे। तो शरीर हाँ इसी से नहीं तो फायदा क्या है? और डॉक्टर कहे कि हम तुम्हारी बिल्कुल निरोगी काया बना देंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तुमको मरना पड़ेगा, तो डॉक्टर भी कोई डॉक्टरी करवाएगा है? धोबी गए हम तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल सोने का बना देंगे, सोने की जड़त वाला बना देंगे, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा कपड़ा फाड़ देंगे। शरीर रूपी वस्त्र भी है, हमको तो ऐसा धोबी मिला हुआ है जो पक्की गारंटी देता है। क्या पक्की गारंटी देता है कि अगर इस जन्म में तुम खुदा न खास्ता शरीर छोड़ भी देंगे क्या, तो फिर अगले जन्म में जन्म लेकर के अपने शरीर को कंचन काया बनाने के पुरुषार्थ में लग जाओ। एक आदमी बोलो ना क्या एक जगह पे अड़ गया और उसको गले के बीच पर पड़ने पड़े, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऐसा है विश्व कल्याण के लिए अगर थोड़े समय के लिए गधे को बाप बनाना पड़े तो क्या आ जाए? अरे थोड़ी देर के लिए अपना मान अपमान मान सम्मान खत्म कर दिया, लेकिन सारे विश्व का कल्याण हो गया, तो कोई खराब बात है क्या है? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण का रूप माना जाता है उसमें गधा कौन है? सारी कैसे दादी देखेंगे अच्छों की माया बेटी रबड़ी बना देती है। रावण के 10 सिरों के ऊपर 10 सिरों का बाप दिखाते हैं। 5 विकारों का बाप कौन? देह अभिमान। वो गधा क्या करता है? नहीं, गधा क्यों कहा गया? हाँ, गधे को बार बार नहलाओ धुलाओ और धूल में लौट जाएगा। वो देह अभिमान की धूल में लौटे बगैर उसको आराम नहीं आएगा, नहाने से आराम नहीं आएगा। देह अभिमान की धूल में लौटेगा तो उसको आराम आ जाएगा, तो उसको कहते हैं गधा। वो गधा रावण के सर के ऊपर है। क्या रावण कौन? बेधर्मी। क्यों राम रावण नहीं बनता है? कितना मजा आया। राम रावण बनता है कि नहीं है? रावण मनुष्य था या देवता था? मनुष्य था। अच्छा, तो मनुष्य था तो सब मनुष्यों का बाप कौन? अरे मनुष्य था तो जो सब मनुष्य होंगे, जितने भी मनुष्य हैं उनकी संख्या कितनी? 500-700 करोड़। उनमें असुर भी है और देवात्माएं भी है। सबका बाप कौन? प्रजापिता है ना? कितना मजा आ रहा है? अब आया हिसाब में। तो जब राम वाली आत्मा गधे का बाप है, गधे का बाप है कि उसका भी कोई बाप बनता है? राम वाली आत्मा कोई बाप बनता है कि नहीं है? 5 विकार रावण के रूप और उन 5 विकारों का बाप गधा। 5 विकार जो रावण का रूप है वो राम वाली आत्मा भी बनती है। क्या? कम से कम आखिरी जन्म में। हाँ, ज्ञान लेने के बाद भी है। हाँ बाबा ने तो तुमने बोला शंकर को ऐसे दिखाया जैसे रावण, रावण नहीं है, रावण बनना पड़ता है, राम को भी रावण बनना पड़ता है। तो फिर वो कहेगा गधे को भी गधा बनना पड़ता है सबके लिए नहीं क्यों? अरे गधे को गधा नहीं बनना पड़ता है, गधा है गधा और रावण है रावण, माने राम है रावण है। अभी भी राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा दोनों आत्माएं ईश्वर बाप को याद करने वाली है या नहीं है? दोनों आत्माएं याद करने वाली है। शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजमान है, अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। और उसमें ज्ञान सूर्य तीसरा नेत्र भी विराजमान है, वो संपूर्ण पाठ बजाता है या अधूरा पाठ बजाता है? संपूर्ण पाठ बजाता है। अब राम की आत्मा कहाँ पर है, किस स्टेज में है? सूर्य की स्टेज में है। वो तो ठीक है, लवलीन स्टेज 100% अंत में होती है। यह अभी बच्चों के संसर्ग संपर्क में आ रही है, ढेर सारे बच्चों के संसर्ग संपर्क में आ रही है तो कहा जाएगा है होते हुए भी नहीं, क्या होते हुए भी नहीं, तो संसर्ग में आते हुए भी निराकारी, संसर्ग संपर्क में आते हुए निराकारी स्टेज में रहती है, नीचे नहीं गिरती। ये गलत बात, इस बात को माना नहीं जा सकता। राम कृष्ण की आत्माएं भी, उनको भी संग का रंग लगता है, 63 जन्म जैसे संग का रंग लगता है, वैसे शूटिंग पीरियड में भी संग का रंग लगता है। अंतर इतना है कि उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश है और प्रवेश होने के कारण वो संघ का रंग जल्दी धुल जाता है औरों के मुकाबले। बाकी ऐसे नहीं कि संघ का रंग लगता ही नहीं है। बहुत मेरा पाप किए थे, उसका पूरा घर बनाया। जब उनके घर में बोला कि तू पापा को भागे रहता ही गया, तो घर वाले ने तो मना बाजू किया, किनारा किया, तो उसको मंत्र दिया कि राम राम जप। तो उसका किधर चले राम राम जप ये मंत्र दिया, ये मंत्र तो नहीं दिया। मंत्र क्या दिया? तो उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा ना। अच्छा तो हैं उल्टा हो। देखो दोनों बातें हैं, एक तो राम तब जपा जब राम को पहचाना हो। राम को तब जपेगा कोई जब राम को पहचाना हो, और उसने पहचाना तो नहीं, वो तो पापी था। तो जो पापी था उसने क्या किया फिर? उल्टा जपा। क्या उल्टा जपा? मरा 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 मरा। तो बुद्धि में क्या रहेगा है? तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा ना, नहीं मरेगा? तो मर गया कि नहीं मर गया? मर गया। अरे द्वापर युग की आज की शूटिंग से ही मर गया होगा कि बाद में मरा है? कब मरा होगा? द्वापर की शूटिंग के आज में मरा होगा। अच्छा, त्रेता युग की शूटिंग के आग में नहीं भरा होगा है? अरे मरेगा या मरा है? मरेगा या मरा या मर रहा है? मरेगा, मरा नहीं पूरा। वेरी फिर वो मुरली भाई नहीं बोल दिया 10 वर्ष में लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तब हुआ। है मरा ना फिर। तो अगर जो प्रैक्टिकल बात है, अगर वो बोलता है तो उसमें क्या हर्ज है? मरा या जिंदा रहा? मरा। मरा वो गधा है ना? गधा जो है गधा, हाँ, दयाभिमान की मिट्टी में लेट रहा है अभी तक। लौट जाता है, अभी तक भी लौट रहा है। हाँ जी, कैसी दयाभिमान की मिट्टी? क्या हो रहा है एक्ट, क्या कर रहा है? अच्छा, जो जिसमें बार बार प्रवेश कर रहा है तो भूल गया है? है? वो सिर्फ है, वो सिर्फ है एक ही चीज कम होती है। अरे दूसरे की बात छोड़ो, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक तो दिखाई पड़ रहा है। कौन? नहीं, गुलजार दादी बार बार उसमें प्रवेश कर रहा है ना, तो देवान आए बगैर, देवान आता है तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, जैसा बोला है कि 1976 के आसपास वो मोरारजी बापू का स्कूल का वो मुफ्त पिता था और बाबा ने बोला कैसे मुफ्त पिता था। बाबा ने बोला कैसे कि बिजनेस का वो मुरारी कृष्ण मुरारी वो भी बेच का मुफ्त पिता था। कृष्ण मुरारी देसाई, हाँ, कृष्ण मुरारी देसाई जो है वो बेहद का, जो कृष्ण मुरारी देसाई वो भी मुफ्त पिता था। जब हद का कृष्ण मुरारी देसाई, हद का कृष्ण मुरारी देसाई वो मूत पीता था। 76 की बात है, अखबारों में भी छप चुका था। जो गुजरात का कृष्ण मुरारी देसाई था वो अपना ही मूत पी करके अपनी बीमारी का इलाज करता था ना। तो ये बात बेहद के कृष्ण मुरारी देसाई के ऊपर लागू होगी कि नहीं? कैसे लागू होगी? क्यों? वो कृष्ण मुरारी देसाई की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं है। प्रवेश है, तो यही तो बात हो रही थी। हाँ। बाबा 1976 में प्रगति पढ़ाई खत्म हो गई। जब तक जीना है तब तक पीना है, उसके लिए ज्ञान का ये नहीं रहा। वो जी रहा है, पढ़ाई खत्म हो गई। कोई जिंदगी होती है? नहीं, पढ़ाई खत्म हो गई, राम जापना है पढ़ाई। हाँ, तो इसे कृष्ण का पढ़ाई कब खत्म होगी? जब खत्म होगी तब स्वर्ग आ जाएगा। ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा एक सेकंड में? विष्णु बन जाएगा। विष्णु बनने की अभी टाइम है या नहीं है? है? कितना टाइम है? पता नहीं। माना रिसेंट सीढ़ी रिसेंट कैसे सुनते ही नहीं। अब कितने 3-4 महीने हो गए जब से ये बात बोली जा रही क्या कि ब्रह्मा की पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे। 36 से लेकर के 50-51 तक 15-16 साल लगे। फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कमला नगर सेंटर में पहला बना। जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना तभी तो पता चला कि ये ब्रह्मा है। कोई की बुद्धि में तो आया होगा क्या कि क्या नाम रखें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय? क्यों रखें? क्योंकि कोई ब्रह्मा है, उसके कुमार कुमारियां भी हैं। प्रत्यक्षता हुई ना। तो ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? कहाँ से कहाँ तक? 69 से लेकर के 70 से लेकर के और 77-76 तक कितने साल हुए? 7-8 साल हो गए ना। दूसरी मूर्ति को आधा टाइम क्यों लगा? हैं? पढ़ने में टाइम लगता है। हाँ, पहला फाउंडेशन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा फाउंडेशन, तो उस दूसरी मंजिल बनने में ज़्यादा देर थोड़ी लगती है, और फिर उसके बाद ऊपर की मंजिलें और जल्दी बनती है। तो ऐसे ही जो तीसरा तबक, जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी है, उसके लिए कम टाइम लगेगा और ज़्यादा लगेगा, है और कम लगेगा। तो जो संकल्पों से शूटिंग होने का टाइम है, उसके लिए जो मूर्ति निमित्त बनी हुई थी, वो टाइम कब खत्म होता है? 2004 में खत्म हो जाता है। 2004 में 4 साल और जोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा 2008 आता है। आज में पढ़े कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा नहीं तो विष्णु कैसे प्रत्यक्ष होगा? हाँ जी, जैसे और वैसे ही राम ने भी बाली को लोकेश से मारा है। हाँ? राम ने बाली को धोखे से क्यों मारा? अच्छा, तो ये जो बाली वाली बात है, वो मुरली में आई है, अव्यक्तवाणी में आई है, या कहीं कैसेट में आई है? कैसेट में आई। क्या बाली, क्या क्या मारा? बाली को धोखे से मारा। क्यों मारा? अगर नहीं मारता तो आधी ताकत खत्म हो जाती। कृष्ण ने कंस को सामने आके लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्यों इधर उधर भागता फिरता रहा गाँवों गाँवों में? ताकत कम नहीं थी। कभी कभी विश्व कल्याण के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। हमें मान मर्तबा नहीं चाहिए। क्या मान मर्तबा नहीं चाहिए? अरे बड़ा पीर है, लेकिन विश्व कल्याण होता रहे। जो शंकर का पार्ट है, भस्मासुर ने जब हमला किया तो सारी दुनिया में भागा भागा क्यों फिरा? भगवान था तो मार सकता था ना, फिर क्यों भागा भागा फिरा? है विश्व कल्याण के लिए। तो जिसमें विश्व कल्याण समाया हुआ हो, वो काम झूठा होता है या सच्चा होता है? फिर बाली भी तो जंगल में रहने वाला कोई प्राणी है, बंदर ही है ना। है पार्वती का पास जगदम्बा का मांगा किया है। पार्वती का पास बाली वाली बात समझ में आ गई। एक शर्त थी बाली को मारने के लिए, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, वो ही बाली को मारना पाएगा, मार पाएगा। तो 7 ताड़ के वृक्ष कौन से हैं? 7 नारायण है, वो जड़ वृक्ष है, जड़ बुद्धि। इन जड़ बुद्धि वृक्षों को एक बाण से ढाया जाता है। जब वो खत्म होते हैं तब बाली भी मारा जा सकता है, नहीं तो नहीं मारा जा सकता। हाँ जी, तो अभी तक माया मच्छंदर का खेल ही नहीं समझ पाया। सारी रामलीला खत्म हो गई, खत्म होने जा रही है? क्यों? मच्छंदर किसे कहा जाता है? जो सारी मच्छियों को पेट में डाल लेता है, मगरमच्छ। दिखाते हैं कि गज और ग्राह में भई लड़ाई, लड़ता लड़ता गज हारे। क्या महारथी रूपी हाथी ज्ञान जल में था, मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया टांग से, बुद्ध रूपी पांव को पकड़ लिया, तो नहीं छोड़ा पा रहा था, डूबा जा रहा था। तो याद किया बड़े लगन से, तो भगवान ने उसको क्या किया? उद्धार कर दिया ना। है कहाँ की बात है? संगम की बात है। नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? अरे नीचे की स्टेज में बनेगा कि ऊपर की स्टेज में बनेगा? फिर वो तो ऊपर से गोदाम शांति धाम बनाते बनाते फिर नीचे उतर आए। आप ही नीचे उतरेंगे हैं? बोले नीचे से ऊपर तक। हाँ ऊपर देखो, नीचे से ऊपर तक क्यों कैसे लगेगी? आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? सही साबित होता है कि ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा। कब लगेगी बात? कब लगेगी? क्या लगेगी? कब लगेगी? अच्छा कल लगेगी तो तुम पहुँचना। हाँ सिद्धार्थ को। हाँ यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, बौद्धियों की बात मानी होगी, क्या बुद्धुओं की बात मानी होगी और ज्ञानियों की बात नहीं मानी, तो कन्वर्ट होना पड़ा। अभी एक बात बता रहे थे बाबा। हाँ। प्रजापिता का बात वो पॉइंट रह गया माताजी में बीच में बोलो। अभी तो बताया नहीं, बता रहे थे प्रजापिता के अंतिम जन्म में। हाँ। कार्य विकार के लिए आदमी जाता है। हाँ। अंतिम जन्म में तो बता रहे थे पॉइंट ना करने कुछ तो बीच में बोला तो ऐसे ही रह गया पॉइंट। तो आप पूरा कर लो। आप बोल रहे थे क्या? वो पॉइंट पूरा क्लियर कर रहे थे। अरे कभी मैं तेरे बाप, कभी तू मेरा बाप, कभी तू मेरा बच्चा, कभी मैं तेरा बच्चा। ये कौन सी आत्माओं के लिए लागू होता है? राम कृष्ण वाली आत्माओं के लिए लागू होता है। सत्यु के आदमी में राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा का बाप, तो त्रेता के आदमी कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा का बाप। ये क्या बड़ी बात होगी? फिर द्वापर के आदमी, द्वापर के आदि में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का बाप राम वाली आत्मा। फिर द्वापर के आदि में वो कलयुग के आदि में कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। हाँ हैं? हाँ लोगों के जितना हमारी जो करे मित्र हमारा तो। हाँ लेकिन क्या प्रैक्टिकल ऐसी बात है? नहीं। हाँ ये नहीं, तो भक्ति मार्ग में जितने भी भगत होते हैं वो मुख से कुछ और बोलते रहते हैं और प्रैक्टिकल में कुछ और होता है। भक्ति मार्ग में जो भी भगत है वो मुख से कुछ बोलते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन जानते नहीं उसका अर्थ क्या है। खुद निंदा करते हैं, निंदा वो ग्लानी करते हैं या गायन करते हैं। उनका धंधा क्या है? भगवान की ग्लानि करना। जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी ग्लानि करना उनका धंधा है, लेकिन बोलते क्या है? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा, वो पब्लिक को सुनाने के लिए कि बड़ा संत, बहुत अच्छी महात्मा आई हुई है है? खाली ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ पाटे क्यों? दादियों जो दूसरे धर्म के होंगे वो उनमें त्रिमूर्ति नहीं होगी। होगी ना, जो विधर्मी है उनकी त्रिमूर्ति नहीं होगी। अगर स्वधर्मियों की त्रिमूर्ति है तो विधर्मियों की त्रिमूर्ति होनी चाहिए। नहीं है फिर? हाँ बाबा एक कैसे बोला है कि वरुण शंभू तो नहीं तो रहे कुमारी। हाँ तो वो पार्वती के लिए, पार्वती ने बोला है कि ये मेरा विरुद्ध है। हाँ। कि मैं जन्म जन्म कुंवारी रह सकती हूँ, लेकिन वरूंगी तो शंभू को वरूंगी और किसी को वरण नहीं कर सकती। मतलब द्वापर से कलयुग तक वो एक उसको बोलती है क्या? कुंवारी भी तो रह सकती है। हाँ नहीं तो वो रह सकती है। ये क्या बड़ी बात हो गई? जैसा बात है भक्ति मार्ग में जो गायन चला आ रहा है वो कहाँ का चला आ रहा है? संगम का। संगम का क्या क्यों गायन चला रहा है? कैसे साबित होता है? होगा बिचारी आप। हाँ वो एक ही आत्मा ऐसी है, एक सिवाय और किसी की बनने वाली वही नहीं है। किसी जन्म में वो वैश्या नहीं बनती। आत्मा रूप में भी वो किसी जन्म में और पुरुष को वर्ण नहीं। एक आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा में एक आत्मा तो ऐसी होनी चाहिए जो कभी दूसरे का किसी का संग का रंग न लेती हो। अगर एक आत्मा भी नहीं होगी तो इस धरती पर सत्य कहाँ कायम रहा। धरती से दुनिया के सारे कार्य होते हैं ना, होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों में कोई तो आत्मा ऐसी होगी अभी भी जिसकी प्योरिटी के आधार पर इतना बड़ा संगठन टिका हुआ है। इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म की आत्मा को ब्रह्मा बाबा क्यों जन्म देते हैं? सतयुग में, संगम युग में चले जाओ कि संगम युग में कौन सी ऐसी आत्मा थी जिसके ऊपर बाबा ने सारा कारोबार छोड़ा हुआ था यज्ञ का, और वो बाबा का बहुत वफादार बच्चा था। लाखों रुपए की प्रॉपर्टी उसके ऊपर छोड़ दी थी डील करने के लिए। जब कराची छोड़ करके इंडिया में आए तो भी उस बच्चे को भेजा कि अहमदाबाद में जाकर के कोई बड़ा मकान ले लो, लेकिन अहमदाबाद में उसे मिला नहीं तो माउंट आबू में जाकर के पोखरान हाउस मिल गया। तो ये बड़ा काम दिया ना। तो शूटिंग पीरियड में उस बच्चे के ऊपर इतनी खातरी थी, इतना विश्वास था, माना वफादार होगा ना, है वफादार तो होगा ना। लेकिन वफादार होते हुए भी बाबा ये तो जानते थे कि इस बच्चे को कराची में मुसलमानों का संग का रंग रंग भी खूब लगता रहा है। कराची जैसी स्थान में जहाँ स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ, वहाँ भी एक आत्मा ऐसी थी जो मुसलमानों के संग के रंग में खूब जाती आती थी, और वो बच्चा वहाँ स्वर्ग के संगठन में घुसा हुआ था। इसलिए शास्त्रों में क्या गाय ने पांडवों के साथ एक कुत्ता भी घुस गया स्वर्गारोहण में, बस ज्यादा समय टिका नहीं, लेकिन चढ़ तो गया। तो क्या झूठ बोल दिया? रुद्रमाला में होना चाहिए, रुद्रमाला में भाई होना चाहिए। युगल अभी कैसे कहेंगे? अभी ब्रह्मा की औलाद है, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है दोनों, या आपस में युगल बन करके बैठ जाए? क्या भाव रखना चाहिए दोनों को? अरे हीरो हीरोइन पार्टधारी है तो उनका जो संकल्प है, उनका जो भावना है, वो क्या होनी चाहिए? भाई तो रुद्रमाला में होंगे, वो तो रुद्रमाला में आती ही नहीं। भाई बहन होंगे ना, तो उनको भाई बहन कहेंगे या पति पत्नी कहेंगे? क्या कहती है? क्या राम जी के सामने दान करके गई और राम ने उनको माता के दर के हाँ, तो बच गई ना। हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो सकती पार्वती? बच गई वहाँ से तो पार्वती हुई ना। पार लगाने वाले इधर भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी ना, कलंक लगने से बच गई ना। पार्वती का जो पार लगाए, अरे वो तो पीते पीते लुढ़क रहा है। शंकर जी को तो विष पीते हुए दिखाते हैं ना, तो विष पिएगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं, लेकिन फिर उठाता कौन है? है किसी में ताकत? कोई में इतनी ताकत है जो उसको उठा सके? कोई में ताकत नहीं। कौन में ताकत आती है? जो समान पुरुषार्थी होगा वो ही उठा सकेगा। जो राधा है जो पार्वती है, नहीं योगीश्वर और योगी योगिनी जो है, योगीश्वर और योगेश्वरनी तब कहा जाए जब साथ में हो, अभी नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं? 84 जन्म अगर आदमी को शरीर होता है, हाँ, तो उसका बाद में आने वाला जन्म भी 84 गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कोई ब्राह्मण 2-3 जन्म भी तो लेते हैं ना। 84 जन्म है ना, 84 जन्म क्या क्या होता है? तो कोई कोई आत्मा ऐसी है जिनका 84वां जन्म अभी नहीं है, 83वां है, तो शरीर छोड़ेंगे। ज्ञान में आने के बाद, एडवांस में आने के बाद अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उससे साबित होता है उसका 84वां जन्म नहीं हुआ, उसका 83वां जन्म चल रहा है, इसलिए शरीर छोड़ा है। जन्म लेगा 84वां जन्म लेगा, एडवांस में आया हमारे 84 जन्म लेने वाला है। हाँ। हाँ, कई जन्म बन सकते हैं। हाँ, और सबके लिए एक जैसी बात नहीं लागू हो सकती। क्या जो ज्यादा बड़ा राजयोगी होगा तो ज्यादा राजा बनेगा, और राजयोगी कम होगा तो क्यों दूसरे दूसरे धर्मों में जाने वाले छिलके नहीं है, वो बीज उपात में नहीं है, तो वो एक ही जैसी राजयोगी होगी क्या? उन पर दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है तो वैसा भी पार्ट बजाएंगे। और माला तैयार करते हैं वो दूसरे धर्मों की है, बनेंगे क्यों नहीं? वो अपने धर्म में नहीं बनेंगे, अपने धर्मखंड में राजा नहीं बनेंगे। पता ही तो आपको दे दूसरे धर्मों में ब्रह्मा कृष्ण भी बन जाएगा 7-8 में, निश्चय बुद्धि बनेगा। कौन? ब्रह्मा तो विष्णु, ब्रह्मा तो विष्णु बनेगा तो निश्चय बुद्धि बनेगा। हाँ, उसकी पढ़ाई पूरी होगी। क्यों नहीं पूरी? तो फिर वो विद्यालय जाने प्रवेश करेगा, उधर मानता होगा। क्यों करेगा? नहीं करेगा। अरे कृष्ण अधूरा है तो अधूरा चंद्रमा है। विदेशी और विधर्मी पूजते हैं उसको, पूजते नहीं मान्यता देते हैं, अपने झंडे में उसका चित्र देते हैं पाकिस्तानी लोग। और जब वो संपूर्ण बन जाता है तो उनके काम की चीज नहीं, तो देवता बन जाता है। बाबा 4.5 लाख के 4.5 लाख वाले की भट्टी कंपनी में होगी। ये क्या बात हुई? कंपनी में तुम राजा बनने के लिए गए थे या प्रजा बनने के लिए गए थे? मैंने तुम्हारे लिए भट्टी हो रही है राजा बनने की, और बाकी जो बाद में जाएंगे वो सब प्रजा बनेंगे। हाँ जी, तो और अलग अलग माला बनाने की क्या दरकार? तो और धर्म वाले कम जन्म लेंगे या पूरे जन्म लेंगे? तो कम जन्म वाले कहाँ जाएंगे? जो कम जन्म लेने वाले उनमें राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने तो घोषणा कर दी कि जो दूसरा नारायण से लेकर के 7वां 8वां नारायण है वो भी राजा बनता है, तो सचिव में राजा बनेगा और वहां जाके राजा नहीं बनेगा। तो बहुत सख्त हो गए विधर्मियों के लिए। है? 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 दशरथ राम बोला जाता है। हाँ, राम की आत्मा ज्ञान में कब आती है दोबारा? रुक जाओ, जिसकी बात हो रही हो बोलने दो। हाँ, 69 में है ना। 69 में राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आती है तो उस समय 10 जड़ों पर बैठे हुए जो ब्रह्मा कुमार हैं वो ज्ञान में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, तो वही दशरथ हो गए। हाँ, जब राम और लड़ाई होती है, हाँ, जब विभीषण राम को मदद करता है, हाँ जी, तो वो विभीषण को रोए जो विशेष भीषण हो जाए, जो विशेष भयंकर रूप धारण करे, तो विभीषण राम को मदद करे ना। हाँ, वो पहले रावण संप्रदाय का था, फिर उसने असलियत उसकी जान ली, जानने के बाद राम का बन गया है। रावण का राज्य जो है, जो कलयुग की दुनिया का राज्य है, रावण का राज्य, वो फिर उसको दिया जाता है विभीषण को। राम राज्य नहीं दिया जाता, रावण का राज्य दिया जाता है। एक जन्म प्रवेश करके भोगते हैं, वही जीवन मुक्ति, एक जन्म की। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बोला है वजन किया गया, वापस दे दिए। हाँ, और दिखाने के लिए कर दिया। आगा खां का वजन किया हीरो से, और हीरो से वजन करके जिनसे जिनसे हीरे लिए उनको हीरे वापस कर दिए ना, जिस किसी से भी जहाँ से भी लिए। कई जगह से हीरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके उसका वजन कर दिया, दिखाने के लिए पब्लिक को कि इतनी वैल्यूबल चीज है। कौन? आगा खां। अरे कोई काम विकार की आग खाने वाला ही होगा कोई। चांडाल बनने के संस्कार नहीं होंगे। अगर दास दासी बनने के संस्कार नहीं होंगे तो दास दासियों का और चंडालों का बाप कौन? तुम बताओ, आखिर दुनिया में चंडाल और दास दासी होते हैं या नहीं होते हैं? मनुष्य होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो मनुष्यों का बाप नहीं है वो, तो अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरे से बुरों का भी बाप है। नहीं बनता है, दास दासी संस्कार नहीं है। अच्छा अच्छा, 69 में जब ज्ञान में आया था तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कोई बड़े बड़े जो महात्मा बैठे हुए हैं उनकी दास दासी बन के काम नहीं किया होगा, तो हुआ ना दास दासी। उसके लिए तो गायन है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, वो तो सब कुछ है। प्रजा में भी आता है, लेकिन जो 2500 वर्ष का ड्रामा है उसमें वो संस्कार नहीं है। ईश्वरीय सेवा के लिए किसी का दास दासी बनना पड़े, विश्व कल्याण के लिए किसी को गधा बनाना पड़े, वो गधे का बाप, गधे को बाप बनाना पड़े, तो कोई बात नहीं। बाबा, हाँ, बाबा ने बोला कि सर्प जो है अंडे देता है, आज फिर से वो अंडे से आता है, तो अंडे खाते खाते आता है, तो एक अंडा बचता है, कुंडली मार करके बैठता है, गोल गोल अपने शरीर की कुंडली बनाता है। हाँ। और कुंडली बनाता है, वहाँ उसको अंडे देता है। सर्पणी जो है वो अंडे देती है उस कुंडली के अंदर। हाँ। जो अंडा लुढ़क के बाहर चला जाएगा, क्या? हाँ। जो अंडा लुढ़क के बाहर चला जाएगा वो बच जाता है, और बाकी कुंडली के अंदर जितने भी हैं उन सबको खा जाएगा। जो खा जाएगा उन्हीं से बुद्धि, ऐसे ना देह में, जैसे राम वाली आत्मा है। हाँ। वो कुंडली के अंदर नहीं रही और बाहर निकल गई, या राम वाली जैसी जितनी भी आत्माएं हैं वो सब उनकी कुंडली में आई, जन्म लिया और बाहर निकल गई। हाँ, एडवांस में चलेगी, बाकी सब खा लिए। बाबा ने बताया कंस ने, कंस के लिए गायन है ना, कि कंस ने 7 बच्चों को खा लिया, एक बच गया। एक ही बात को कई कई तरीके से दिखाया है। हाँ बाबा, राजा बलि का जो बटू ब्राह्मण है, बटू ब्राह्मण जो है, हाँ बटू तीन पैर में तीन सब कुछ नाम लिखा है, हाँ तीन लोग, हाँ लास्ट में बोला कि जब तक राजा बलि ने अपना पूरा पाठ नहीं बजाए उस आत्मा को ऐसा नहीं किया। राजा बलि राम के आत्मा को प्रोटेक्ट होने के लिए पूरा अपना पाठ नहीं बजाए, तो राजा बलि की आत्मा माना उसका धर्म का बीज हो गया, सब कुछ अर्पण कर दिया। माने तीन पांव में सब कुछ राजपाट सब चला गया। तीन पांव माने कौन से तीन पांव? बाबा को कहते हैं पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो तीन पैर पृथ्वी कोई है कि नहीं? प्रजापिता वाली आत्मा न जानती है न मानती है, जानती भी नहीं, माने सुप्रीम सोल बाप को नहीं जानती। प्रजापिता वाली आत्मा सुप्रीम सोल बाप को नहीं जानती और उसे मानती भी नहीं। साकार में तो होती ही नहीं है। साकार में तब तक मानती है जब तक उसका पूरा परिचय नहीं मिलता है, तब तक मानती है। जैसे ज्ञान में आए जब तक बेसिक में कच्चे रहे, बेसिक नॉलेज में, तब तक तो किसी को बाप मानती कि नहीं? ब्रह्मा को बाप मानती कि नहीं? ब्रह्मा कुमार है कि नहीं? तो बाप तो मानती है साकार में। हाँ हाँ, इसीलिए तो बताया बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है। बाप इस समय कौन क्या बन के, भारतीय बन के आया, विदेशी बन के आया, ठेक विदेशी बन के आया हुआ है। बाबा यार कोई कहे जाके तुम संत हो तो मानेगा नहीं मानेगा? रामबाली आत्मा मिले तो कहे। है? क्यों मिलेगी तभी तो कहेगा। हैं? किनके नाम से? हाँ, जो देते हैं वो उनकी मर्जी। बावत कहते हैं किसी को भक्ति करने से मना नहीं करना चाहिए। कोई भक्ति करता है तो उसको मना करना चाहिए? कोई को भगवान दिखाई पड़ता है, हम इसको अपना भगवान मानते हैं, ये पत्थर है, पत्थर बुद्धि है, या कोई भी आदमी है वो गुरु बन के भगवान बन के बैठा हुआ है और उसको वो भक्ति करता है, भगवान मानता है, तो उसको मना करना चाहिए? और मदद करो भैया, उसकी भक्ति जल्दी पूरी हो जाए। तो गलत काम तो नहीं है? नहीं है। हाँ हाँ। और दूसरा है स्वर्ग। हाँ? ये पहला पैर धरती पे रखता है ना। हाँ। दूसरा स्वर्ग पे रखता है। अच्छा। तीसरा उसके माथे पे रखता है ना। हाँ। तो वो राजा वाली तो अपनी बुद्धि को अर्पण करे ना। हाँ। हाँ? फिर बटुक कौन? अरे बोई बटुक हो गया, बोई वो हो गया। हाँ? राजा वाली माने जो पूरा अर्पण कर दे। तो माया है? माया। सबसे पहले अर्पण कौन होता है? तो बुद्धि को अर्पण नहीं करती है। और है? राजा बलि था वो आसुरी कुल का था या देवताई कुल का था? कौन से कुल का था? आसुरी कुल का था। तो आसुरी कुल में कोई तो होगा महादानी। हाँ 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 जी। और है आदि मन के खाना है, उसको निकलने का तरीका मालूम हाँ बताता कहाँ से जब वो निकल नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट बताएगा तो निकल आएगा ना वापस। बाबा बताता है उसको चक्र से बाहर निकलने का रास्ता, वो निकलता ही नहीं, वो तो खसका फंसा हुआ ही रह जाता है, खत्म ही हो जाता है। इसका क्या पूरी पढ़ाई नहीं पड़ेगा तो यही हाल होगा ना। हाँ बाबा बाबा ने बताया आजकल के बच्चे थे, हाँ जब मम्मा बाबा को उसी करते थे बाबा में प्रवेश करते तुमने भी, आज बच्चे वो है नहीं। हाँ तो 1936, 37, 38, 39, 40 हाँ तो उस समय मम्मा जो बाद में आने आई वो क्या आज वाली मतलब मम्मा जो बाद में आई ज्ञान में, हाँ? वो मम्मा के लिए बोला है कि आज वाले के लिए बोला है, जो चले गए बच्चे उनके लिए बोला है, मम्मा तो मौजूद थी। मम्मा तो बीच में आई और बीच में चली गई, आज वाले बच्चों की बात है। ड्रामाटिक जीवन है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। आपको पता है, आपको पता है क्या क्या फिक्स है पुरुषार्थ करने में, उसमें कुछ 84 जन्म का पता है आपको? नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं? आप यही समझिए ना कि हम पुरुषार्थ करके अपना अच्छा बनाएंगे। हाँ आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि ड्रामा में जो होगा तो देखा जाएगा? तो गलत बात हो गई। पुरुषार्थ करने में ड्रामा को आगे रखना है, पुरुषार्थ को आगे रखना है। ड्रामा जो पास हो गया वो ड्रामा फिक्स है, बाकी भविष्य में क्या ड्रामा हमारा बनने वाला है वो हमें पता नहीं है। इसलिए शुभ संकल्पों से उस ड्रामा को हम अच्छा बनाएं, जो अच्छा बनाएंगे वही हमारा फिक्स है। नेगेटिव संकल्प क्यों लाएं? जो होगा तो देखा जाएगा, ड्रामा में हमारा ऐसा ही होगा, तो ड्रामा भविष्य के लिए यूज नहीं करना। जो पास हो गया तो ड्रामा। हाँ जी आगे इसका मतलब शिव बाबा उस समय भोक्ता का पार्ट बजा रहा था। हाँ भक्ता था। हाँ रामायण में राम को भी आसुरी संप्रदाय का दिखाए, रामायण में उनका पूर्वज असुर थे, उनका राम का रघु असुर थे, उनके पूर्वज रघु राजा रघु। हाँ वो क्या चीज है आसुरी इसका हो गया क्या नाम? पैदाइश कहीं से तो हुई होगी उस शरीरधारी की। अरे उस शरीरधारी की पैदाइश कहीं तो हुई होगी आखिरी जन्म में। अरे राम वाली आत्मा आखिरी जन्म में अपना शारीरिक जन्म कहीं से तो लेती होगी, नहीं लेती होगी? तो जहाँ लेती होगी वो हिरणा कश्यप का पार्ट बजाने वाला नहीं होगा। ज्ञान में हो या ना हो, शारीरिक जन्म की बात कर रहे हैं। हाँ जी अरे कैसे होगा? अरे और सर्वव्यापी है तो वो भगवान नहीं हुआ? अगर कोई सर्वव्यापी पे अटल है कि भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान नहीं हुआ अपने बच्चे के लिए। हाँ रघु से बनता है राघव। हाँ जी क्या कह रहे हैं? इनकी बात को समझो और समझाओ। भक्ति मार्ग में विदुर, हाँ हाँ विदुर है, हैं? विदुर हाँ जी। विदु माने विदु से बनता है विद्वान, जो विद्वान है, जानकार है, होशियार है, पहचानने वाला है, वो विदु। कौन है? कोई भी हो सकता है। पार्ट डिक्लेयर कर दे, बाबा ने मना किया, पार्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। दक्ष प्रजापति, हाँ यदि के आज में विरोध नहीं किया, हैं? दक्ष प्रजापति यदि के आज में विरोध किया कि नहीं? शिव जी, शिव का ही अपमान किया ना, यदि छोड़ के चला गया तो शिव का अपमान हुआ ना। हाँ है, अपमान नहीं हुआ। हाँ हाँ जी हाँ राजा श्रीमंत होते जाते हैं। हाँ द्वापर से राजा दुखी नहीं होते, प्रजा भी दुखी होती, राजाएं भी दुखी होते, तो वो होते हुए भी दुखी होते। कलिंग देश का महाराजा जो अशोक था, वो दुखी हुआ कि नहीं? बौद्ध धर्म से स्वीकार कर लिया। हाँ बाबा ये दोनों बातें कहाँ? दोनों बातें तो नहीं बताई। शिव बाबा अंतर्यामी है भी और शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है, दोनों बातें मुरली में कहाँ बताई? हाँ शिव अंतर्यामी है और शिव को अलग कर दो, बाबा रह जाए सिर्फ, वो बहिर्यामी है। बाप दादा वो बहिर्यामी है और शिव सुप्रीम सोल, बाप शिव बाप वो अंतर्यामी। बाबा ने अभी बोला है 8 घंटे कम से कम याद करनी चाहिए। हाँ जी तो याद तो नहीं हो रही है, ज्ञान की बातें तो 2-3 घंटे तक। हाँ 8 घंटे याद, ये जरूरी नहीं होती बाबा। हाँ ठीक है, क्यों नहीं होती? आखिर कोई की तो होगी ना। ये क्या बात हुई? अगर 8 घंटे याद नहीं होगी तो अष्टदेव कैसे बनेंगे? जिसका काम करेंगे, राष्ट्रपति का कोई काम कर रहा हो तो उसको राष्ट्रपति याद रहेगा कि नहीं है? तो जो जिसकी सेवा में 24 घंटे लगा हुआ हो तो उसकी याद नहीं आएगी। आदि तो अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि तुम बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते, बाप दादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो याद हुई कि नहीं? ज्ञान को याद नहीं कहा जाता। ज्ञान अलग चीज है, याद अलग चीज है। हाँ जी जैसे आसूक मासूक होते हैं, क्या वो ज्ञान की बातें रमण करते हैं? उनको वो याद आता है, उसको वो याद आता है। हाँ है? हाँ है? कड़क छिलकों वालों का बाप कौन है? जो भी कड़क छिलके वाले हैं दुनिया में, जो भी रुद्रमाला के मड़के हैं, वो सब कड़क छिलके वाले हैं ना, उन सबका बाप कौन है? तो इसमें नई बात क्या होगी? नारियल तो है? और तो फोड़ा तो जाता है। फोड़ा कब फोड़ा जाएगा? हैं? आज के बाद फोड़ा जाएगा? जब खोपड़ा फूटेगा तो क्या निकलेगा? माल निकलेगा। इसीलिए तो बोला हुआ है, शंकर का पार्ट रियल नहीं है। मुरली में क्या बोला? शंकर का पार्ट रियल नहीं है, लेकिन लोग क्या समझते हैं? अब वो समझते हैं रियल में पार्ट बजाता होगा, और रियल में पार्ट बजाता है ना? दुनिया उसे विकारी समझती है कि निर्विकारी समझती है? विकारी समझती है, लेकिन अगर वो विकारी दुनिया समझती है और वो निर्विकारी साबित हो जाए तो रियल हुआ या नारियल हुआ? है? नारियल फोड़े ही नहीं।